बीच पे क्या कर रही हूँ अकेले, बट गाइज मैं आपको बता दूँ कि मैं हूँ गोवा में। और आप सब जानते हैं कि गोवा की नाइट लाइफ कितनी ज़्यादा अमेजिंग होती है, बट नाइट लाइफ अगर इन्जॉय करनी है तो खाने के बिना तो बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि खाना तो बनता है। और मैं हूँ बागा बीच पे, तो देर किस बात की, जल्दी से चलते हैं और करते हैं बागा बीच के कैफेज एक्सप्लोर। सो गाइस मैं आई हूँ सी टर्टल बीच कैफे पे, जो है बागा बीच पे लोकेटेड। यहाँ का एम्बियंस देख के मुझसे तो बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं हो पाया, तो जल्दी से अब मैं करती हूँ यहाँ पे फूड ऑर्डर, बिकॉज खाना तो बनता है और मुझे लगी है बहुत तेज की भूख। कितने सारे ऑप्शंस हैं आपको यहाँ पे कॉकटेल्स में, स्मूदीज में, मॉकटेल्स में, इनफैक्ट मिल्क शेक्स, हॉट बेवरेजेस और बहुत सारे इंडियन वेजिटेरियन ऑप्शंस भी हैं। मेरे स्नैक्स तो आ गए हैं। वाओ कितनी सुंदर प्रेजेंटेशन है, आप देख सकते हैं प्रॉपर गोवा फील दे रही है ये प्रेजेंटेशन भी। फ्रेंच फ्राइज और साथ साथ में है चिली पनीर। तब वेट किस बात की, भूख तो लगी ही थी, अब जल्दी से ट्राई करते हैं। ये जो फ्रूट पंच मॉकटेल है ये कितनी सुंदर लग रही है, आप देख सकते हैं कितनी सुंदर सी अम्ब्रेला भी है यहाँ पे, उसको ट्राई करती हूँ। गाइस बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग टेस्ट है। क्रिस्पी, लेस ऑयली, बहुत अमेजिंग। मैं ट्राई करती हूँ चिली पनीर। इन वन वर्ड अमेजिंग। ऐप तरीके से इसको बनाया गया है, इसके अंदर जितने पर विनेगर, सोया सॉस सब कुछ अच्छा है, बहुत क्रिस्पी भी है और साथ साथ में पनीर की क्वालिटी भी बहुत अच्छी लग रही है। जब आप खाते हैं तो आपको पनीर की क्वालिटी का भी अंदाजा हो ही जाता है, बहुत अमेजिंग है। इतने अमेजिंग व्यू के साथ इतने अच्छे स्नैक्स खाने को मिले गोवा में आके, और क्या चाहिए, और वो भी ऑन बीच, अमेजिंग। बिकॉज जहां मैं बैठी हूँ वहां सामने ही बीच दिख रहा है। बागा बीच पे खूब सारी मस्ती के बाद और सी टर्टल कैफे के इतने अमेजिंग स्नैक्स ट्राई करने के बाद अब देखते हैं खाना तो बनता है का फूड रिपोर्ट कार्ड। अब मैं आपको लेके चलती हूँ एक ऐसी जगह पे जहाँ आपको मिलता है गोवा का बेस्ट सी फूड। इतना ही नहीं, आपके लिए होगा एंड में एक सरप्राइज भी, तो मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मुझे मेन्यू की जरूरत नहीं है, बिकॉज आज आप मेरे लिए लेके आइए यहाँ की सारी फेमस डिशेस, साथ साथ में यहाँ के बेस्ट मॉकटेल्स। मैंने खाना ऑर्डर कर तो दिया है बिना मेन्यू देखे, लेकिन अब वेट करते हैं और देखते हैं कि यहाँ की डिशेस का टेस्ट कैसा होगा, क्योंकि खाना तो बनता है। मेरी मॉकटेल्स आ गई हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि दो दो मॉकटेल्स क्यों ऑर्डर की हैं? वेट करिए जरा, बताएंगे, कुछ ना कुछ सरप्राइज तो रहना ही चाहिए ना एंड तक। जस्ट वेट एंड वॉच। फिश, गाइस आप सब लोगों को पता है तो मैं तो हूँ वेजिटेरियन, बट ये फिश ऑर्डर की है किसी स्पेशल पर्सन के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था। वेट टिल द एंड, देयर इज अ सरप्राइज फॉर यू। वाओ दिस लुक्स फ्रीकिंगली अमेजिंग यार, कितना सुंदर लग रहा है। वाओ इसमें है राइस, वेज पैटी और साथ साथ में फ्रेंच फ्राइज, कितना अच्छा लग रहा है ना। फिश भी आ गई और वेज सिजलर भी आ गया, साथ साथ में दोनों मॉकटेल्स भी रेडी हैं। तो अब वेट है हमारे स्पेशल गेस्ट का। तो गाइस मैंने आज बुलाया है अपनी बेस्ट फ्रेंड को, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आप गोवा आए हैं तो आप अकेले इंजॉय कैसे कर सकते हैं। तो गाइस आज मेरे साथ है मेरी बेस्ट फ्रेंड शिवांगी। हेलो। हाय पलक। ऐसे लग रहा होगा कि हम पहली बार मिल रहे हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। गाइस हम बहुत पहले से एक साथ हैं। ये मैंने इसको बुलाया था यहाँ पे नॉनवेज ट्राई करने के लिए। जैसा आप जानते हैं कि यहाँ का नॉनवेज और सी फूड बहुत ज़्यादा फेमस है और शिवांगी को नॉनवेज काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो इसका क्रिटिक शिवांगी से बेटर और कोई नहीं दे सकता। तो ट्राई करें। ठीक है।
टेस्ट ही है। मुझसे वेट नहीं हो रहा शिवांगी, तूने ऑलरेडी मुझे इतना इंतजार कराया है, मैं तो खा रही हूँ खाना। इस फिश का ऑनेस्ट रिव्यू आपको शिवांगी बताएगी, सच बताना शिवांगी कैसी है? बहुत टेस्टी, बहुत यू नो सॉफ्ट है, काफी अमेजिंग टेस्ट है, मजा आ गया। इसमें ऐसा क्या है फिश में जो आपको बाहर नहीं मिलेगा, ऐसा कौन सा फ्लेवर है? यार इसका फ्लेवर ऐसा है ना, जो आप जनरली फिश खाना पसंद नहीं करते, मुझ जैसे लोग हैं कि सोचते हैं कि ना फ्राइड फिश है ठीक है बट उतना टेस्ट अमेजिंग नहीं होता, लेकिन इसका टेस्ट कुछ ज़्यादा ही अलग है। इसके जितने मसाले इसमें लगे डाले हुए हैं उसका टेस्ट और अच्छा बना रहे हैं फिश का। गाइस आप जानते हैं इसी तारीफ के लिए ये रेस्टोरेंट से ज़्यादा मैं बेताब थी, बिकॉज ये रेस्टोरेंट था मेरी चॉइस। और दोस्त को जब आप बाहर लेके आते हो डर लगा रहता है ना कहीं इंसल्ट ना हो जाए, बेकार का ना। नहीं नहीं कोई इंसल्ट नहीं है, पता नहीं जो भी सॉस इसमें इस्तेमाल की गई है वो कौन सी है बट टेस्ट बड़ा कमाल का है। तो कॉम्बिनेशन में काफी यूनिक है वेज का, राइट? फ्राइज, राइस और पैटी। पैटी और पैटी मैंने पहली बार सुना, मतलब मैंने पहली बार ट्राई की ऐसी पैटी जिसमें क्रीमी हो सॉसी हो। यूजुअली हम ड्राई पैटी ट्राई करते हैं बट इसके ऊपर एक डिफरेंट सॉस है। अब फाइनली देखते हैं खाना तो बनता है का फिश डे कैफे का रिपोर्ट कार्ड। शिवांगी तुझे पता है ये ना रेस्टोरेंट खुलता है 12 PM से 3 AM तक, मतलब प्रॉपर नाइट लाइफ एंजॉय कर सकते हैं हम, है ना? मुझे एक बात बता यार, 3 तो ऑलमोस्ट बजने ही वाले हैं, हमने इतना एंजॉय कर लिया ऑलरेडी नाइट लाइफ, तेरे कुछ और ऑर्डर कर दूँ? नहीं यार तूने इतनी अमेजिंग फिश खिलाई है कि इससे आगे बढ़ने का मन ही नहीं कर रहा मेरा। मेरा भी प्लेटर बहुत अच्छा है, फ्रेंच फ्राइज, राइस साथ साथ में पैटी, मज़ा आ गया। तो कह सकते हैं ना कि हमारा मन भी भर गया और पेट भी भरने वाला है, क्योंकि हम तो होने वाले हैं खाने में बिजी। अगर आपको भी देख के मज़ा आ रहा है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। टिल देन, see you.